तरीके से बता सकता हूँ मैं, फालतू बातें नहीं करता। क्यों नहीं करना, जो सच्चाई है वो सच्चाई है भाई। मर गए, आप भी आए और एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक बजट ट्रिप होने वाला है। जैसे कि आपको पता है, आप कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं, सबसे पहले आप क्या देखते हैं, आपके लिए तीन चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला प्लेस, आप कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद सेकंड आपका बजट, और थर्ड बात करें तो आप किस रास्ते से जा रहे हैं, मतलब कौन से वे से आप जा रहे हैं। सब आपका बजट डिपेंड करता है कि आप कैसे जा रहे हैं वहाँ पे और कैसे क्या आपको वहाँ करना है। तो इन सब चीज़ों को प्लान करने के बाद हमने एक ट्रिप प्लान किया जो आपको आप आगे देखने वाले हैं, तमिलनाडु और केरला के लिए। तो सबसे मेन प्लेस था हमारा आदियोगी। ऐसे हमने पांच प्लेस डिसाइड किए जो आप फिलहाल में भी देख सकते हैं, नीचे आ रहे होंगे स्क्रीन पे। आदियोगी, मदुरई, मीनाक्षी टेम्पल, तीसरा हमारा पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, चौथा आजीमला, और पांचवा हमारा लास्ट हरिपाड़। हरिपाड़ हम जब मैंने पांच प्लेस डिसाइड किए थे, हमें यहाँ जाना था और हमारा एक वीक का टूर था। तो इस टूर में कितना क्या खर्चा बैठा वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो में पूरा बने रहें। और ऐसे तीन चार ब्लॉग आएंगे, आप देख सकते हैं। ये एक बजट ट्रिप होने वाला है ताकि आप भी कभी फ्यूचर में अगर जाना चाहें तो आपका कितना खर्चा बैठता है आप उसको इस ट्रिप से अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। बाकी जो खर्चा जहाँ मैं कर रहा हूँ वहीं स्क्रीन पर लिखा जाएगा, और लास्ट में वीडियो के आपको कोई लिस्ट दे दूंगा मैं आपको कहाँ पर कितना खर्चा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की शुरुआत घर से नहीं, ऑटो से हो रही है, क्योंकि हम घर से निकलने टाइम हमने ब्लॉग किया नहीं था। वहाँ से निकलने के बाद मैंने ब्लॉग किया तो हम ऑटो से निकल चुके थे वहाँ से, और ऑटो मैंने ओला से बुक कर लिया था तो घर पे आ गया था लेने। और अब यहाँ से हम स्टेशन जा रहे थे, स्टेशन जाते समय हमें मुश्किल से 20 मिनट लगा होगा। हम टाइम से पहले ही स्टेशन पहुँच गए थे, बट वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि हमारी ट्रेन ऑलरेडी लेट चल रही है, क्योंकि ट्रेन का टाइम 3:30 का था, बट 3:30 से वो लेट थी। देखते हैं, आप 3:50 हो चुके हैं, ट्रेन अभी तक आई नहीं है, तो ट्रेन का वेट कर रहे हैं। वेट करते करते ट्रेन हमारी 4 बजे आई फाइनली। बहुत देर के इंतज़ार के बाद ट्रेन हमारी लेट थी बट आ गई। हेलो फ्रेंड्स, हम भोपाल से निकल रहे हैं, और यहाँ से निकलने के बाद मैं आगे आपसे बात करता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ हम फाइनली भोपाल से निकल रहे हैं। भोपाल से निकलते ही हम लोग कुछ देर तक तो विंडो बैठे, उसकी वजह के आराम करने लगे, और नेक्स्ट दिन हमने देखा कि हम साउथ साइड पहुंच चुके हैं, और काफ़ी अच्छे नज़ारे और ग्रीनरी आपको देखने मिलती है साउथ में। आप जैसे साउथ में एंटर करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे पहाड़ और ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड, पूरे 30 घंटों के सफ़र में काफ़ी अच्छा व्यू एंजॉय करते हुए हमने सफ़र काटा, आप भी इस व्यू को एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद हमें हमारा डेस्टिनेशन कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन देखने को मिल गया है। स्टेशन देखने में तो काफ़ी ठीक ठाक और बढ़िया लग रहा है, बाकी नाइट हो चुकी है और ट्रेन ऑलरेडी हमारी लेट है 1 घंटा। तो चलिए अब स्टेशन में उतरते हैं, फिर देखते क्या होता है, आगे कहानी आपको बाद में बताता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा पुलिस थी इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं किया। हम रात के 1:30 बजे होटल के पास ही खाना खाने आए थे। ये रेस्टोरेंट आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा खाना यहाँ देखने को मिल जाता है, आप खाओ देसी। तो हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको रात को बताया था कि हम रात को कोयम्बतूर पहुंच चुके थे,
बट वहाँ पे ज़्यादा ही चेकिंग चल रही थी पुलिस की, इसलिए मैंने स्टेशन ब्लॉक नहीं किया। उसके बाद मैंने सीधा रूम लिया और हम सीधा होटल में आ चुके हैं। ये हमारा होटल रूम है, नाइट में सिर्फ स्टे करने के लिए हमने रूम लिया था। उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे हम आदियोगी के लिए। तो चलिए आगे कहानी में आपको बाहर जाकर बताता हूँ कैसे आप यहाँ से आदियोगी जा सकते हैं कोयम्बतूर से। चलिए बाहर मिलते हैं। चलिए हम होटल से बाहर निकल रहे हैं और आगे जाके देखते हैं कि बस हमें कहाँ से मिलेगी। ये कुछ हमारे होटल की लॉबी है, कुछ इस तरह की दिखती है। और रघु भाई जा रहे हैं, हम दोनों यहाँ से निकल रहे हैं। चलिए आगे कहानी आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए आगे के लिए आगे मिलते हैं। तो कोयम्बतूर में गांधीपुरम में हमने होटल लिया था। वहाँ से ये नियर बाय मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता होगा, ये टाउन बस स्टैंड देखने को मिल जाता है। तो ये गांधीपुरम का सिटी बस स्टैंड है, इसमें टाउन की बस आपको देखने मिल जाएगी। यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाती है आपको एक नंबर स्टाफ, ये रेड बस खड़ी है ना, ये रेड बस है और ये आपको दिखाता हूँ स्टाफ नंबर 1। यहीं पे आपको ये बस मिल जाएगी 14D 14C, ये सभी बसें आदियोगी एक जाती हैं। तो चलिए बस में ये पास चलते और चढ़ते हैं बस में। चलिए बस के अंदर देखते हैं कि बस में कैसा क्या रहता है। तो ये लोकल बसें जो अपने इधर भोपाल में भी चलती हैं आप देख सकते हैं। और यहाँ से हमें आदियोगी जाने के लिए इनने बताया कि 40 मिनट लगेंगे और वही 40 रुपये समथिंग किराया भी लिया इनने। यहाँ से 30 किलोमीटर करीब है आदियोगी, 30 से 35। तो फ्रेंड्स साथ में आए तो आप यहाँ से हम जा रहे हैं और ये मैं मेरे दोस्त रहूँ, हम दोनों यहाँ से निकलेंगे और बहुत ही पहुँचने वाले अभी रास्ते में फिलहाल। फिर आगे में आगे बात आगे जाते हैं और देखते हैं कि आपको रास्ते में पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है। कि आपको पता कि आदियोगी के चारों तरफ पहाड़ है। तो ये स्टार्ट हो चुका है, आदियोगी पहुँचने वाले हम और पहाड़ों का व्यू इन्जॉय कर रहे थे, काफ़ी अच्छा व्यू था देख सकते हैं आप। आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पे मैं कि पहाड़ों के पास बादल कैसे रखे हुए हैं। थोड़ा क्लियर व्यू नहीं आ रहा अभी यहाँ से, थोड़ा आगे से मैं आपको दिखाऊंगा इसको कि आप देख सकते हैं कि पहाड़ कितने अच्छे हैं और उस पर बादल पता है पूरे आपको रखे हुए दिखते हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा फील होता है यहाँ से। इसको आप अपनी आँखों से देखो तभी समझ पाओगे इस चीज़ को आप कि क्या ब्यूटी है यहाँ की। ये देखें एकदम जूम करूँगा ना मैं आपको, देखिएगा पहाड़ के ऊपर बादल रखे हुए हैं। इसको आप महसूस कर सकते हो बस और अपनी आंखों से देख सकते हो। तो एक बार तो ज़रूर आए और घूम के देखें कि कैसा आपको यहाँ फील होता है। तो इस जगह पे देखने मिल जाता है हमें क्लियर सा व्यू। देखिए आप पहाड़ों पे मतलब ऐसा रखा गया है कि इसे कॉटन रखा हुआ है किस चीज़ के ऊपर, रुई। मतलब बहुत ही प्यारा लोकेशन दिखता है आपको यहाँ पर। तो इसका नेचर का व्यू तो आप काफ़ी शानदार व्यू देखने मिलता है और इसको एक बार तो देखना बनता है लाइफ में। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ और इसको देखें। बाकी इसके अलावा ऐसे ही व्यू को एंजॉय करते करते हम काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके थे, तो कुछ ही देर में हम पहुँचने वाले हैं आदियोगी और ये व्यू को एंजॉय कर रहे थे। हरियाली तो काफ़ी है। ओह वो देखो, मतलब आपको यहाँ पे आदियोगी के पहले दर्शन हो जाते हैं और उस समय जो अंदर से फीलिंग आती है ना वो आपको बता नहीं सकता। मतलब फर्स्ट लुक आपको गाड़ी में दिख जाता है, बस से आप आएंगे तो आपको पहला लुक दिख जाएगा। मतलब हम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, नज़दीक नहीं शायद हम पहुंच ही गए। ये बस आश्रम में इंटर हो चुकी है, ये बस आपको आश्रम के गेट तक छोड़ती है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, सीधे आके आपको ये आश्रम के गेट पर छोड़ेगी। तो बस ने अपनी पार्किंग लगा दी है, यहीं पर बस हमें छोड़ेगी। बस रुक चुकी है, चलिए उतरते हैं और उतरते ही आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने मिल जाएगा चारों तरफ का। ये पूरा आश्रम का एरिया है और ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से आप जाएंगे। एक एंट्रेंस मेन रोड से भी है बट बस इस साइड आती है आजकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आप अंदर जा रहे हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं इस आयोग सेंटर में। ये बैक साइड पूरा सा गेट दिख रहा है, चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको दिख रहा है राइट साइड में आदियोगी है और लेफ्ट साइड में ध्यानलिंगम। तो ध्यानलिंगम में जो वो ईशा फाउंडेशन के अंदर टेम्पल है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में रास्ता गया हुआ है,
ये रास्ता जाता है सीधे ईसा योग सेंटर के मेन गेट पे, और वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं है। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे मोबाइल और बैग वगैरह सब डिपॉजिट जाएंगे, और इस साइड में फ्रंट में आपको गेट है। चलो आप गेट दिखाता हूँ। तो ये ईसा फाउंडेशन का जो टेम्पल है उसका मेन गेट कुछ इस तरीके का है, बट यहाँ कुछ भी अलाउ नहीं है। नागा शारणी के दर्शन करने के बाद आप यहाँ से जैसे अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको सबसे मेन ध्यान लिंगम देखने मिलेगा। वहाँ पे जाके आपको भक्ति में लीन हो जाना है और काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है, वहाँ मन की शांति आपको मिलेगी। उसके बाद आप अंदर जाएंगे तो आपको लिंगा भैरवी का मंत्र मिलेगा, वहाँ पे आप दर्शन कीजिए पूजा पाठ। वहाँ से आप निकलेंगे तो आपको एक नंदी महाराज का काफ़ी बड़ा स्टैचू देखने मिलता है वहाँ पे भी। उसके बाद आप बाहर आएंगे तो आपको त्रिमूर्ति पैनल देखने मिलता है, और वहीं पे आपको सूर्य कुंड भी देखने मिल जाता है। तो इन सब के दर्शन करने के बाद जैसे आप, तो फ्रेंड चलिए बात कर लेते हैं इसके राइट साइड की। तो यहाँ पे हम आदियोगी जाएंगे, बट उससे पहले आपको एक छोटा स्टैचू आपको देखने मिल जाता है लॉर्ड शिवा का, देख सकते हैं। मैं उसको आपको फ्रेंड्स दिखाता हूँ। वैसे आप मुझे फॉलो करते हो तो आपने इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा, मैं रील डाली है इसकी, काफ़ी अच्छा स्टैचू देखने मिल जाता है। और इसके बाद इनके सामने ही रास्ता गया हुआ है, चलिए ले चलते हैं आपको आदि। और देख रहे हैं तो यहाँ से हम जा रहे हैं आदि योगी के लिए। ये वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट का मुश्किल से। हाँ बैक साइड दिखाता हूँ आपको मैं। और रघु भाई क्या कहना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में अंदर? इसके बारे में मैं क्या राय तुम्हारी भाई? बहुत ध्यानपूर्वक है और बहुत सुंदर प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा अंदर शांति, विजिट जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार जरूर आए यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा शांति है। योगा सेंटर और अंदर जो मेन ध्यान लिंगम है वह काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है आपको। उसके बारे में आगे बात करेंगे डिटेल में, चलिए पहले चलते हैं आदि योगी के पास। मेरे यार एक बात होता, तो हम जा रहे हैं आदि योगी स्टैचू के पास। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस टाइप का स्टैचू है, और फिलहाल आप अभी ये व्यू एंजॉय करें। चलिए आपको व्यू दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू है, इसको आप एंजॉय करें। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे नज़ारे देखने मिलेंगे ना, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप मोबाइल या कैमरा अपना ऑफ कर लो। मतलब कितनी खूबसूरती है, और नेचर के बीच में जो आप देख सकते हैं, इसको जूम करता हूँ मैं थोड़ा और। यहाँ पे देखिए आप, आपको ये लगेगा पूरा पूरा बादल का कलर देखिए और पहाड़ देखिए दोनों साथ। ये रास्ता लॉर्ड शिवा तक जाता है आदियोगी स्टैचू। चाहे तो आप ये बग्गी से जा सकते हैं, सामने बग्गी जा रही है और ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है 5 मिनट का। जहाँ तक मैं जब बोलूँगा आप पैदल ही जाएँ और सफ़र को एंजॉय करें। तो यहाँ हम आदि योगी के बैक साइड पे हैं फिलहाल में स्टैचू के। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने मिलेगा, बैक साइड से स्टैचू का नज़ारा है, और ऊपर वेदर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, फुल धूप, गर्मी का पूरा मजा लेते हुए। तो इस गर्मी का पूरा मजा लेते हुए मैं और मेरा फ्रेंड रघु, आप भी आए और एंजॉय करें। नज़ारे बढ़िया है बट धूप ज़्यादा है, शाम टाइम में आना। तुम्हारा वेग आने तरीके से बता सकता हूँ मैं? फालतू बातें नहीं करता। क्यों नहीं आना, जो सच्चाई है वो सच्चाई है भाई। यहाँ से कुछ हमें इस तरीके का सीन देखने मिलता है, बैक साइड से पूरा स्टैचू दिखता है आपको शिवा, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, सेंटर में स्टैचू है। देख सकते हैं बीच सेंटर में ये स्टैचू है, चारों तरफ पहाड़ है और ये राघवेंद्र भैया घूम रहे हैं। और यहाँ पे कुछ शॉप वगैरह है, चाहे तो आप नाश्ता पानी कर सकते हैं। तो ये हम आदि योगी के बैक साइड पे हैं, यहाँ से हम आगे जा रहे हैं फ्रंट साइड के लिए। वहाँ जाके मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ किस टाइप का नज़ारा आपको देखने मिलता है। चलिए इसके फ्रंट साइड पे चल के बात करते हैं। वाली का
मेरे पीछे बैक साइड में काफ़ी अच्छा पहाड़ का व्यू आ रहा है और पहाड़ पे जो बादल रखे हुए हैं आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। ये अराउंडिंग व्यू है यहाँ का। तो फ्रेंड्स हम आदियोगी आ चुके हैं, ये मेरा साइड का देख सकते हैं आप बैकग्राउंड का, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है और ये मेरे बैक साइड में आदियोगी। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है मेरी आंखों के सामने, आप भी इस नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं, आप ज़रूर आए एक बार आदियोगी। बात करें इस स्टैचू की तो ये 112 फीट का विशाल स्टैचू है लॉर्ड शिवा का और इसकी अभिकल्पना मतलब डिज़ाइन की बात करें तो सदगुरु जी ने इसको डिज़ाइन किया है और इनके आश्रम में ईसा फाउंडेशन में ये बना हुआ है। काफ़ी अच्छी प्रतिमा है और ये आदियोगी इसलिए कहा जाता है ताकि योग के प्रथम गुरु थे, इसलिए इनको आदियोगी भी कहा जाता है। देख सकते हैं हमारे बैक साइड में हम आदियोगी पे हैं और यहाँ पे अराउंड घूम रहे हैं। काफ़ी बड़ी साइज़ की मूर्ति है, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे हम आगे। ये मूर्ति 112 फीट की है जिसको सदगुरु जी ने बनवाया था और मोदी जी ने आके 2017 में इसका अनावरण किया था। सबके मन में ये तो रहता है कि आदियोगी के फ्रंट साइड में जो बना हुआ है उसमें क्या है। एक छोटा सा टेंपल है, यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं और ये टेंपल आपको दिखा देता हूँ फ्रंट साइड से कैसा देखने को मिलता है हमें। चलिए देखते हैं फ्रंट साइड से टेंपल। ऐसे बहुत सारी देवी देवताओं की मूर्ति है पत्थर की शिला में बनी हुई, तो देख सकते हैं आप फ्रंट से। यहाँ पूजा हवन होते रहते और ये हमारे आदियोगी। चलिए ये यात्रा यहीं तक थी, वापस चलते हैं। ये आदियोगी से वापस जाते हुए हम लोग, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का। बहुत धूप है, मर गए उठते में। गेट खोला था ना, इसीलिए खोला था मौसम देखने के लिए। क्या फुल वाली पहनो या हाफ वाली? तो फ्रेंड्स हम निकल रहे थे आदियोगी से वापस और जाते जाते बस का रूट भी यही था। एक बार मैं फिर से आदियोगी दर्शन हो गए। तो ये यात्रा हमारी यहाँ पे काफ़ी अच्छी रही। बाकी इस ट्रिप में जो भी एक्सपेंसिव हुए हैं वो आपको मैं आपको डिटेल में बता दूँगा।